आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो 23 सितंबर के करंट अफेयर्स लेके हम आपके सामने हाजिर है चलिए शुरू करते हैं ये चार करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और ध्यान दीजिएगा ये जो हम करेंट अफेयर्स बता रहे हैं ये एग्जाम में तो है ही और एग्जाम के लिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो हमारे टेन थाउजेंड का बैच आप जरूर ज्वाइन करें अभी जोग्राफी की क्लासेज हो रही है कोई भी एग्जाम आपका अछूता नहीं रहेगा तो सबसे पहले स्पेस प्रोग्राम भारत में हम बात करेंगे हमारे ऐप को डाउनलोड करे वहां पे और या वेबसाइट विजिट करें वहां पे आपको यह मिल जाएगा तो चंद्रयान फोर होने वाला है गुरु और वीनस का भी मिशन मार्च 2028 में हम छोड़ेंगे ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री ने बोला कि जो सब सब्सिडीज है फर्टिलाइजर को लेकर और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्सी भी एनिमेशन और बाकी रिलेटेड फील्ड्स के लिए यह भी बनाया जाएगा क्या बात है यार पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिला है तो चंद्रयान फोर चंद्रयान थ्री से भी जबरदस्त होगा 2104 करोड़ मात्र सिर्फ इतना चंद्रयान फोर में पैसा लगा है और इस बार चंद्रयान फोर लूनर सैंपल लेके धरती पर आएगा यानी कि धरती पर आना है चंद्रयान थ्री में तो बस वहां पर ही ऑर्बिट कर रहा है वो उतरा सब कुछ सैंपल को एनालाइज किया लेकिन इस बार चंद्रयान फोर में वो वापस भी लेकर आएगा और वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है वॉम वो भी 2028 में उसके एनवायरमेंट को समझने के लिए बारह करोड़ बस जिसमें अठ करोड़ जो है वो एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम और ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट के लिए है फिर उसके बाद लगभग साढ़े चौबीस हजार करोड़ फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडीज आमतौर पे किसान जब फर्टिलाइजर खरीदते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है तो ये सरकार इनकी मदद करेगी और इतने सारे पैसे जो हैं साढ़े चौबीस हजार करोड़ जो है वो एज अ सब्सिडी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं अभी राबे सीजन आने वाला है तो ये बढ़िया है किसान आसानी से फर्टिलाइजर जो है वो खरीद सकता है फिर उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस अब ये कमाल है कमाल है आजकल एनिमेशन का जमाना है तो एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स एक्सटेंडेड विजुअलिटी मुंबई में इसको एस्टैबलिश किया जाएगा ठीक है ना ये बढ़िया है ये और अच्छा है क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं भाई तो यहां पे मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने कहा है कि इस समय सबसे जरूरी है कि जो टेक्नोलॉजी है और जो फाइनेंस है उसके गैप को कम करना क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और पैसे चाहिए ये जितना कम होता जाएगा गैप इसका उतना ही अच्छे से हम क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएंगे री इन्वेस्ट समिट गांधीनगर में इन्होंने ये कहा है और बोला है कि देखिए कम से कम 100 बिलियन डॉलर हर साल हमको रेस करने हैं 8 लाख करोड़ तो क्लाइमेट फाइनेंस रीडिफाइंड और बोला है कि दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जरूरी है अब हमें क्लाइमेट चेंज के एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाए ताकि हम इन चीजों से लड़ सके सौ बिलियन डॉलर जो है ये इतना पैसा चाहिए डेवलप्ड नेशन इतना पैसा दें लेकिन अब इसको रिवाइज करने की जरूरत है बता रहे हैं कि सौ बिलियन डॉलर से भी काम नहीं चलेगा ये आउटडेटेड है तो नए एग्रीमेंट और नए फाइनेंसिंग की जरूरत है कॉप ट्वेंटी अभी बाकू अजेर में होगी तो इसमें वही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कितना पैसा देना है ये पैसा और आप दीजिए हमको आपने तो अपने आप को डेवलप कर लिया बड़ा बड़ा के हम क्या करें यहां बोला कि थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट एमीटर ग्रीन हाउस गैस का भारत है लेकिन याद रखिएगा कि अगर पर कैपिटा बेसिस की बात करें तो भारत के एमिशन कम है राइट सेवनटीन टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का भारत अकाउंट करता है तो कंबाइंड एमिशंस अगर आप देखो डेवलप्ड कंट्रीज में यार बहुत कम है हम साथ ही साथ सी बी डी आर आर सी प्रिंसिपल इस पर भी बात हुई कि जरूरी है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफ्रेंशिएट हो मतलब डेवलप्ड कंट्री जो हैं उन्होंने ज्यादा दिक्कत पैदा की है तो उनको ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना कि हम पे थोप दो हज़ार सत्तर तक भारत नेट ज़ीरो जाएगा जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी आपको दो हजार सत्तर तक बढ़ाना है लो कार्बन टेक्नोलॉजीज ताकि कार्बन कम हो एमिशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बिल्कुल ही कम एमिशन हो डिज़ाइन्स और प्रैक्टिस सही हों पी क्लीन एनर्जी के प्लांट्स हम लगाएं मतलब ऐसा फ्यूल लाए जो बिल्कुल ही क्लीन एनर्जी हो जिसमें और हाइड्रोजन इनिशिएटिव मीडियम और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस इसको हम प्रमोट करें तो वही बोला है कि नरेंद्र मोदी ये सब चीज़ें एडवोकेट कर रहे हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिर ग्रेडेड एक्शन प्लान क्या है अगेन ग्रैप देखो स्टेज टू थ्री फोर तीन दिन के अंदर ही अंदर इसको इन्वोक किया है एक्चुअली क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अब जाड़ा आने वाला है सर्दियां आने वाली हैं तो ए क्यू आई पचास से नीचे रहना चाहिए लेकिन ऑन एन एवरेज सौ डेढ़ सौ तक जाता है और अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो ये और डेंजरस होगा दिल्ली के लिए ये जी आर एपी बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप देख सकते हो चार सौ के ऊपर जाएगा तो खेल खत्म है तो अब इसमें येलो एम्बर ऑरेंज और रेड रेड में आप देख सकते हो बहुत ही खतरनाक सब कुछ बंद कर दिया जाता है क्योंकि एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन जो है वो हो जाती है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि आप जीआरएपी स्टेज वन इसको इन्वोक ही नहीं कर रहे हो अब 201 से 300 रेंज में है छह कंजर्वेटिव डेज तक मई में रहा है लेकिन स्टिल आपने इसको इन्वोक नहीं किया तो स्टेज वन यही है कि 200 से 300 यानी कि सीवियर तो इसमें वही है कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट जो होता है ना उसको आप नहीं कर सकते रिसाइकिल करना है मतलब रिसाइकिल इज नॉट मैंडेटरी ओके क्योंकि देखिए जो भी होता है जब बिल्डिंग गिरती है या कोई भी आप तोड़ते हो कंस्ट्रक्शन करते हो तो जो वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकल किया जाता है उससे भी पॉल्यूशन होता है तो दैट इज नॉट नो लॉन्गर मैंडेटरी उसकी रिसाइकलिंग उसको आप ऐसे ही पड़ा रहने दो उसके बाद वेहीकल ट्रांसपोर्टिंग ये भी इसके अंदर कवर है बट इट्स इज नॉट नाउ रिक्वायर्ड एंटी स्मोक गन बहुत ज्यादा जरूरी है स्टेज टू तीन से चार इसमें जो डीजल जनरेटर है जो 22 किलोवाट से लेकर 800 किलोवाट उनको बंद कर देना है फ्यूल मोड जहां पे भी ज्यादा हो रहा है स्टेज थ्री 400 से ऊपर सब बंद मतलब यहां कुछ नहीं चलेगा जिससे पोल्यूशन होता हो टेलीकोमिकेशन सर्विसेज चलेंगी तो बस यही है कि डेली के पॉल्यूशन को कम किया जा सके अर्बन ग्रोथ भाई साउथ एशिया में लगातार नए नए शहर जो है वो आते जा रहे हैं वर्टिकल ग्रोथ समझते हो बिल्डिंग ऐसे वर्टिकली मतलब दस माला बीस माले की बिल्डिंग एक दस हजार स्क्वायर फिट पे क्या है एक ही फ्लोर मकान बनाए ना हजार स्क्वायर फिट पे दस माला बना दिया उसको कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आजकल आप जाइए साउथ एशिया किसी भी शहर में चले जाइए पंद्रह सौ शहर को एग्जामिन किया गया नाइनटीन से दो के बीच में और अर्बन ग्रोथ जो है वो अब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल चली गई है क्योंकि जमीन ही बहुत कम है क्या कर सकते हो आप तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ स्टडी की अगर बात करते हैं तो यही बोला कि सिटी जो है वो अब एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं वो ऊंची होती जा रही है स्पेशली चाइना कोरिया वियतनाम इन जगह पे जहां पे एक करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे वर्टिकुलर वर्टिकल वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रही है यही आपको मुंबई में भी देखने को मिल रहा है सेम टॉलर बिल्डिंग जो है वो ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करती है भाई जाइट सी बात है आठ हजार स्क्वायर फीट में आप दस माला बना लो तो भाई जहां पे आप एक फ्लोर है लेकिन दस माले में भाई दस फ्लोर है तो दस लोग रहेंगे लेकिन चैलेंजेस है क्योंकि उसमें आपको एनर्जी लगेगी इंफ्रास्ट्रक्चर भाई हजार पे बनाओगे बिल्डिंग गिर नहीं जाएगी है क्योंकि शीशे की बिल्डिंग बनाते हो अर्बन हीट आईलेंट इफेक्ट शीशे की बिल्डिंग बहुत डेंजरस होती है जो बाहर काम कर रहे हो उससे पूछिए अंदर तो मस्त आप एसी में हवा खा रहे हो बाहर भयानक गर्मी हो जाती है उसके बाद एक स्टडी शंघाई पे की गई थी बताया था कि ये जो वर्टिकुलर अर्बन ग्रोथ है ना ये विंड स्पीड को भी कम कर देता है हवा की जो रफ्तार उसको भी कम कर देता है भारत में बात करें तो भारत में अभी वर्टिकुलर ग्रोथ हर जगह नहीं हुई है मुंबई में हुई है दिल्ली में हुई है ठीक है बड़े बड़े शहरों में लेकिन वो दस से बीस ही हैं अभी अर्बनाइजेशन अगर आप साउथ एशिया की बात करें भारत में थोड़ा सा कम है लेकिन अर्बन प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरत है सूरज जीत चक्रवर्ती और एच एस सुधीर बताते हैं कि भारत को भी अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एक सौ साठ करोड़ हो जाएगा और जगह नहीं है रहने की और वही मैं बता रहा हूं ना कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही अच्छा है सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ठीक है उसके बाद फिर आपको ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करना पड़ेगा यही एक तरीका है आप ग्रोथ कर लो या सस्टेनेबल नहीं रहोगे या सस्टेनेबल हो जाए तो ग्रोथ नहीं रहोगे तो उसको बैलेंस करिए आप इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को देखिए पॉलिसी सही बनाइए तब जाके चीजें होंगी लेक्चर था बाकी आप हमारे टेन थाउजेंड एमसीक्यू बैच को जरूर आप इसको अवेल करें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा थैंक यू सो मच